जिंदाबाद जिंदाबाद टीचर है और राजनीति में उतर गए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं। टीचर को राजनीति नहीं करना चाहिए, ठीक है, टीचर को पढ़ाने का काम है। तो अपना अभी स्लोगन क्या है, मैंने बोला था कि बोर्ड के एग्जाम तक अपना नारा रहेगा क्या, अब की बार छप्पड़ फाड़ 90 के पार। 90 के पार मतलब 95 से ऊपर, 100 भी आ सकता है मेरे भाई। तो अब की बार छप्पड़ फाड़ 90 के पार। आज एक तो छोटा सा स्टोरी बता रहे थे, ससुराल हम चले आ रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, अभी तो ठंडा है, गर्मी की बात है। जानने ही वाला था, मेरा मेरा दोस्त था, चले आ रहे थे, देखा कि ससुरा धूप में बैठा हुआ है, एक ऐसे ही काला था और धूप में बैठा है और तब के और भुजंड काला हुआ जा रहा है। तो कहा भाई साहब धुपवा में? हाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है भैया किसी का इंतजार कर रहा है। फिर 2 घंटे के बाद हम उधर से गुजरे, देखा कि उसी खड़ा हुआ है, एकदम पसीने पसीने हो रहा है। क्या हुआ रे, क्या हुआ भाई धूप में? ना ना किसी का इंतजार कर रहे। हो सकता है बहुत काम का आदमी हो भाई, प्रोफेशन का बात है, पापी पेट का सवाल है, नौकरी की बात है, धूप में आदमी खड़ा रह सकता है। फिर हम शाम में, धूप कम हो गया था, फिर भी देखा कि खड़ा हुआ। बाद में ससुरा पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बोली थी हम आएंगे और ससुरा गर्मी में धूप में खड़ा है, पागल की तरह खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा है। ये बच्चों तुम लोगों को बताने का मकसद समझ रहे हो? डिवोशन देखो, डिवोशन कौन है, क्या है, कहाँ की है, कुछ पता नहीं है, हासिल होगी कि नहीं ये भी नहीं पता है, पर डिवोशन देखो। 40 डिग्री के पारा में वो बंदा खड़ा था, उसके लिए तप रहा था, काला था और काला भट्टी हुआ जा रहा था, ससुरा भुचंड काला मेरे तरफ, मैं तो फिर भी ठीक हूँ, एकदम काला हुआ जा रहा था। तो कहने का मतलब है कि डिवोशन किसी भी सेक्टर, अब आज का पता नहीं, हो सकता है कि कामयाब हो गया हो डिवोशन में, तो डिवोशन हर सेक्टर में जरूरी है। अभी आप जो पढ़ रहे हो ये दीवानगी पढ़ाई में स्टूडेंट्स आप लोगों के दिखनी चाहिए, ये पागलपन आप लोगों की पढ़ाई में दिखनी चाहिए, ये डिवोशन, ये पागलपन, ये अपनापन, ये किसी चीज को हासिल करने का जज्बा, ये आप बच्चों में दिखना चाहिए। तो अभी एकदम आशिक बन जाओ, एकदम टूट पड़ो, आशिकी कर लो, प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, किताब से, एनसीईआरटी से, नोट से, क्योंकि अभी जो तुम कर लोगे आशिकी किताब से, अभी जो तुम कर लोगे आशिकी कॉपी से, अभी जो तुम कर लोगे आशिकी एनसीईआरटी से, अभी जो तुम लोग कर लोगे आशिकी एक एक पन्ना से, जो आप लोगों ने अकेडमिक में सालों भर पढ़ा है, अगर आशिकी करके उसको अगर डिवोशन में दम त्याग में तुम उसके क्या बोलते हैं उसको सम्मिलित हो जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो अपने आप को झोंक दो किताब की मोहब्बत में, अपने आप को झोंक दो किताब के जज्बात में, अपने आप को झोंक दो किताब की मंजिल तक पहुंचने में, अपने आप को झोंक दो मंजिल पाने के लिए और 95% से ऊपर मार्क्स अचीव करने के लिए। तो वो दीवानापन, वो पागलपन, वो जुनून, वो पागलपन, वो मोहब्बत आपको किताब के लिए दिखनी चाहिए। तभी भैया लगा दो, जैसे एक आशिक होता है ना पागल बन, उसको न धूप धूप की तपिश की पता होता है, न बरसात की पता होता है, न जाड़े का पता होता, उस ससुरा खोया रहता है अपनी इसमें। तो आपको भी खो जाना है, ये पागलों की तरह आशिक की कर लेना है अपने किताब से। अभी पढ़ लो, एग्जाम आने वाला है बोर्ड का, अभी कुछ कर लो, कामयाब हो जाओगे, या कामयाब एक बार हो गए तो ये सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, ये भविष्य आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। डजंट मैटर लाइफ में आगे क्या होगा, कोई कुछ नहीं जानता, ये 5 उंगली जो है वो बराबर नहीं है, बट अगर बराबर होता तो हो सकता है कि हम मुट्ठी नहीं बांध पाते, इसीलिए ईश्वर ने इन 5 उंगली को बराबर नहीं कहा किया है, किसी को ज्यादा लंबा किया है, किसी को मोटा कर दिया, किसी को पतला किया है, सबकी अपनी अपनी क्या बोलते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बेसिस पे अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने बनाया है आपको। तो हर इंसान को पढ़ने का अपना अपना कैपेसिटी है, कोई बहुत तेज है, कोई है कि थोड़ा तेज है, किसी को समझने में टाइम लगता है, कोई तुरंत समझ लेता है, किसी को थोड़ा सा पढ़ता है तो समझ में आ जाता है, किसी को 5-5 घंटा रटना पड़ता है, पर
हर को अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानना है, हर स्टूडेंट को अपने अंदर छिपी हुई काबिलियत को पहचानना, उस काबिलियत उस ताकत के हिसाब से अपने आप को काम करना है, और एंड ऑफ द डे टारगेट एक ही है, बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम को पास करना है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा अपने आप को विचलित नहीं करना है, कोई नई चीज नहीं पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं उसी को सिर्फ देखेंगे, समझेंगे समझेंगे, ज्यादा एकदम ये नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका बच्चों पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसको एक नजर, मोहब्बत की नजर उस किताब पे डालो और उसको कवर करो, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट आ जाए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।